छात्रम स्टूडेंट्स क्लोज योर आईज एंड जॉइन योर हैंड्स फॉर प्रेयर। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदे मातरम। टेक आउट योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 3। हाउ मच कैन यू कैरी। आप कितना वजन कैरी कर सकते हो, कितना कैरी कर सकते हो। कैरी यानी ढोना होता है, उठा सकते हो भी बोल सकते हैं या फिर ढो सकते हो बोल सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। द क्लेवर डंकी एंड ही इज हैवी शेफ। क्लेवर यानी चालाक, चालाक डंकी, डंकी यानी गधा होता है। और उसके सैक, सैक मीन्स होता है बोरी। हाँ, बोरी में हम लोग जिसमें अनाज रखते हैं ना उसको सैक बोलते हैं, ठीक है। और उसका भारी बोरी। ओके, संदेश हैज ए डोंकी। संदेश के पास क्या था, एक डोंकी था। देखिए यहाँ पिक्चर बनी हुई है। ओके, इट कैरीज सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक। वो डोंकी क्या करता था, इट कैरीज सैक्स यानी कि फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक। वो डंकी के ऊपर भरी हुई नमक की बोरी उसके पीठ पर वो लाद देता था, ठीक है। वन ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर। एक दिन मार्केट जाते समय वे रिवर यानी नदी, नदी को क्रॉस करना था। ओके, वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर, एक दिन जब वो रिवर क्रॉस कर रहे थे, द डंकी स्लिप्ड एंड फेल इन टू द रिवर। तब एक दिन जब वो क्रॉस कर रहे थे रिवर, तो डंकी के यानी कि गधे के पैर स्लिप कर गए और वो रिवर में गिर गया। वेन इट गॉट अप, जब वो उठा, द सैक्स फेल्ट वेरी लाइट। तो वो बोरी जो थी ना वो बहुत ही हल्की उसने फील की, महसूस किया कि वो जो बोरी थी वो बहुत ही हल्की हो गई है। गेस वाई द सैक्स फेल्ट लाइटर। आप गेस कीजिए कि क्यों वो जो बोरी थी वो लाइटर यानी कि हल्की हो गई थी। तो बच्चों आपको पता है कि नमक जो होती है वो हम अगर पानी में घोलते हैं तो वो घुल जाती है। तो वैसे ही जब वो डंकी रिवर में गिरा तो उसकी जो नमक की जो बोरी थी वो पानी में घुल गई और जो बोरी थी वो लाइटर हो गई यानी हल्की हो गई, वजन उसका पूरा कम हो गया, ठीक है। द डंकी वॉज वेरी हैप्पी। डंकी बहुत ही खुश हो गया। दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया, और उससे उसको एक आइडिया आया। नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर, दूसरे दिन जब वो रिवर क्रॉस कर रहा था, द क्लेवर डंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप। तो चालाक जो डंकी था उसने एक डिप करने की यानी कि नदी में गोते लगाने का की कोशिश की, ठीक है। डिसाइड किया कि मैं फिर से एक बार उसमें डिप कर लेता हूँ, गोते लगा लेता हूँ। दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डंकीज ट्रिक। इस टाइम संदेश जो था वो उसको पता चल गया कि डंकीज की ट्रिक चालाकी वो क्या थी। वो एक बार सोचा कि अभी मैंने जब उसमें नदी में गिर गया जब वो, तो उसके वजन कम हो गए तो उसे ऐसा लगा कि मैं फिर से अभी कर लेता हूँ तो मेरा वजन कम हो जाएगा। हाँ, तो उसकी जो ट्रिक थी, उसकी जो चालाकी थी वो संदेश समझ गया। तो संदेश ने क्या बोला, हाँ लेट मी टीच इट ए लेसन, अभी मुझे इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लॉथ्स इन प्लेस ऑफ सॉल्ट। तो उसने क्या कर दिया, सबक सिखाने के लिए उस बोरी में नमक की जगह पे क्या रख दिया, उसने वुलन क्लॉथ रख दिया, ठीक है। वुलन क्लॉथ मीन्स जो गर्म कपड़े होते हैं ना, जो हम लोग ठंडी में पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं स्वेटर्स, ये सब वो वुलन क्लॉथ्स होते हैं। तो उसने बोरी में वो भर दी। नाउ व्हाट वुड हैपन टू डंकी व्हेन इट डिप इन टू द रिवर एंड व्हाई। अभी आप बताइए कि जब डंकी डिप किया होगा रिवर में तो क्या हुआ होगा। जब वो डिप किया होगा ना तो वुलन क्लॉथ क्या हो गया होगा, पानी एब्जॉर्ब कर लिया होगा और वो
हैवियर बन गया। पिछले बार तो सॉल्ट से वो लाइटर हो गया था ना उसके सैक्स, अभी इस बार वो सैक्स हैवियर हो गए होंगे क्योंकि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सी सॉ। राजू सी सॉ राइड लेना चाहता है। यहाँ पे देखिए ये राजू है, राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सी सॉ। राजू को राइड्स करने के लिए एक फ्रेंड चाहिए सी सॉ पे करने के लिए। सी सॉ में कैसे होता है, एक कॉर्नर पे अगर आप बैठो तो दूसरे कॉर्नर पे वन फ्रेंड चाहिए होते हैं, तो राजू को भी एक फ्रेंड चाहिए। ठीक है, राजू वन साइड में बैठा है तो ये इस साइड में झुका हुआ है, यानी कि राजू अभी है भी और इधर तो कभी कोई भी नहीं है। ठीक है, रानी कम्स टू हेल्प राजू। रानी जो है वो राजू के हेल्प करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए, राइड लेने के लिए आई। बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। लेकिन राजू जो है वो राइड नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए जब इस पर वो रानी बैठी तो राजू इस तरफ वो झुक गया। कैन यू टेल वाई, सर्कल द करेक्ट आंसर। राजू इज हैवियर और लाइटर देन रानी। राजू क्या था, हैवियर था या लाइटर था रानी से? अभी ये पिक्चर देख के हमको क्या समझ में आया कि जो सीसो की जो साइड्स होते हैं ना, जब वो वन बाजू में इस तरफ झुक जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, मतलब वो हैवियर, हैवी है, हैवी है तो नीचे की तरफ आ जाएगी, और ऊपर की तरफ अगर उठती है तो वो लाइट होती है यानी हल्की होती है, और नीचे की तरफ झुकी हुई रहती है तो भारी होती है। ओके, तो क्या यहाँ पे हम करेंगे, सर्कल करेंगे, राजू इज हैवियर देन रानी। राजू हैवियर है यानी कि भारी है, क्योंकि वो नीचे की तरफ झुका हुआ है ना, तो राजू इज हैवियर देन रानी, रानी से वो भारी है। ओके, असलम कम्स टू हेल्प देम। असलम अभी हेल्प करने के लिए उनको आता है क्योंकि वो राइड नहीं ले पा रहा था। इसलिए लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखिए। कैन यू टेल वाई द सी सॉ टर्न दिस वे। अभी देखिए जब वो असलम आ गया रानी के पीछे तो वो ऊपर आ गया। ठीक है, क्योंकि वो दोनों क्या हो गए, दोनों भारी हो गए उससे, और वो लाइट है, लाइटर हो गया, यानी कि वो ये दोनों हैवियर हो गए और ये लाइटर हो गया। तो अभी आपको ये बताना है कि राजू इज हैवियर और लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर, यानी कि दोनों को मिलाकर राजू हैवियर है या लाइटर है। अभी ये दोनों जब बैठ गए तो राजू लाइटर हो गया ना। ओके, तो आपको लाइटर पर क्या करना है, सर्कल करना है, राजू इज लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। ओके, आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विथ मी। अभी उसको क्या हो गया, एक आइडिया आया कि मुझे अपने बैग को अपने साथ रखना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए इस पिक्चर में वी आर ऑल इंजॉइंग द राइड। अभी उसने जब बैग रखा साथ में और ये दोनों साथ में आ गए तो क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, यानी कि एक बराबर हो गए, वो इक्वल हो गए। देखो ये सीधा हो गया ना ये, हाँ, तो ये लाइटर भी नहीं है और ये भी लाइटर नहीं है, मतलब दोनों इक्वल वेट के हो गए। ठीक है, तो वो लोग इंजॉय करने लगे अभी राइड का, क्योंकि बैग इसके पास आ गई ना, तो वो भी हैवी हो गया और ये भी हैवी हो गया, यानी इक्वल हो गए। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हैवियर और लाइटर, विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सीशो गो डाउन, लुक एट द एग्जाम्पल। अभी ये देखिए ये शीशो की तरह यहाँ पे यहाँ शीशो बना हुआ है ना, अभी कौन सी जो है थिंग्स वो जाएगी, यानी कि अभी मैंने बताया आपको कि नीचे की तरफ जाती है मतलब वो हैवी होती है, और ऊपर की तरफ जो रहती है वो लाइट होती है, लाइट वेट की होती है। तो ये हैवी है, ये वाटरमेलन है तो क्या है, ये हैवी है। ठीक है, तो ये इसके साथ आपको मैच करना है। ओके, और ये क्या है, ऑरेंज है। ठीक है, तो वो लाइट है, तो सिर्फ हैवी वाले को आपको मैच करना है। ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन। ठीक है, आपको लाइन से आपको जो हैवी है उसको मैच करना है। तो ये देखिए ये पॉट है और ये क्या है, बॉटल है। तो बॉटल में जब हम कोई भी वाटर या मिल्क कुछ भी डालेंगे तो क्या होगा, ये हैवी होगा। ठीक है, ये बड़ा है और ज़्यादा वजन लेता है। ठीक है, तो इसको हम इसके साथ, क्योंकि ये नीचे है ना, तो नीचे वाला जो होता है वो वेट उसका ज़्यादा है, यानी कि हैवियर होता है वो। ठीक है, तो ये हैवियर होगा। अभी इस बाजू में ये नीचे है, ठीक है, तो ये हैवी होगा, क्योंकि टू ग्लास अगर हम पानी लेंगे और ये जग में फुल ऑफ जग रहेगा तो
जग का ही वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, 2 ग्लास से भी ज़्यादा पानी इसमें आएगा, तो ये क्या है, हैवी है। तो हैवी जिस तरफ नीचे है उस साइड से आपको मैच करना है। और ये बकेट है और ये क्या है, ये मग है, ओके। तो बकेट में बकेट हैवी होता है, ठीक है, तो ये नीचे की साइड इस बाजू है, तो ये इस बाजू में जाएगा, ठीक है, हैवी होगा, ओके। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या करना, कलर द वन विच इज लाइटर, जो लाइटर हैं उसको कलर करना है, लाइटर मीन्स हल्का, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये फुटबॉल है और ये टेनिस बॉल है, ओके। तो ये आपको इसको टेनिस बॉल को कलर करना है, क्योंकि लाइटर पे करना है ना, आप पे देखिए हम लोग इसमें कलर करेंगे, ओके, क्योंकि ये लाइटर है, ओके। नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे, अभी स्कूल बैग है और ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, ये दोनों में कौन सा लाइटर है, कौन सा हल्का है, ज्योमेट्री बॉक्स लाइटर है, ओके। स्कूल बैग तो हैवी होता है ना, ठीक है, तो ऐसे आपको कलर कर लेना है, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, छोटू मंकी एंड द कैरेट्स, छोटू बंदर और गाजर। चिकी एंड मिकी रैबिट सॉ ए बैग, चिकी एंड मिकी जो है उन्होंने एक बैग देखा, इट हैड कैरेट्स इन इट, और उसमें ये बैग में क्या है, कैरेट था, ठीक है। अभी देखिए चिकी एंड मिकी स्टार्टेड फाइटिंग, चिकी एंड मिकी जो है वो फाइटिंग करना स्टार्ट किए, क्यों फाइटिंग करना स्टार्ट किए, आई विल टेक बिगर कैरेट्स, मुझे बड़ा कैरेट चाहिए, हाँ ये क्या बोल रहा है, मुझे सबसे बड़ा वाला कैरेट चाहिए, नो आई एम बिगर, मैं बड़ा हूँ, इसलिए सो आई विल टेक बिगर कैरेट्स, इसलिए मैं ज़्यादा कैरेट्स लूँगा, ठीक है। छोटू मंकी केम टू हेल्प देम, छोटू मंकी है जो उनकी हेल्प कर रहा है, किसकी, ये रैबिट्स की, ठीक है। कैन आई हेल्प यू, अभी छोटू मंकी ब्राउट समथिंग टू हेल्प देम, छोटू मंकी जो है उनके लिए कुछ हेल्प करने के लिए लेकर आया, कि दोनों फाइटिंग कर रहे थे ना, कि मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए, इसलिए छोटू मंकी है वो उनके लिए कुछ लेकर आए, क्या लेकर आए देखते। गेस एंड टेल व्हाट छोटू मंकी यूज टू हेल्प चिकी एंड मिकी, गेस कीजिए और बताइए कि छोटू मंकी चिकी एंड मिकी के हेल्प करने के लिए क्या लेकर आया होगा। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ इट इन द मंकीज हैंड, और मंकी के हैंड में वो पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे मंकी का जो हैंड है यहाँ पे क्या लेकर आया होगा, आपको ड्रॉ करना है। तो क्या ड्रॉ करेंगे हम, बोलिए हम अगर जब कोई भी लड़ाई कर रहा है तो उसको इक्वल देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस बोलते हैं, और हिंदी में हम उसको तराजू बोल सकते। अभी देखिए यहाँ पे ऐसे आपको ये तराजू बना लेनी है, ठीक है, इसको इससे वो क्या करेगा, छोटू जो मंकी है वो उसके कैरेट को बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करके देगा चिकी एंड मिकी को, ठीक है। ये तराजू आपने वेजिटेबल मार्केट में देखा होगा, वेजिटेबल जब हम खरीदने जाते हैं ना तो उनके पास होती है, वो उसमें डालकर उसमें वेट करके देते हैं, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड आउट योर पेरेंट्स बाई कैरेट्स फॉर द फैमिली, हाउ मच डिड दे बाई एट वन टाइम। अगर आपके पेरेंट्स कैरेट खरीद कर लाते हैं आपकी पूरी फैमिली के लिए, तो एक टाइम में उनको कितना बाई करना, कितना खरीदना चाहिए, तो 1 kg सफिशियंट रहेगा, 1 kg में वो वेजिटेबल बन जाएगा। हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वेट द कैरेट्स, वेजिटेबल सेलर कैरेट को कैसे वेट करेगा, ठीक है, तो किससे करेगा, अभी मैंने बताया है ना, बैलेंस से करेगा। अभी हमने जो बनाया जो मंकी के हैंड में था वो तराजू बोलते हैं उसको, उसी से वो वेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, हाउ मच कैन सिमरन कैरी, सिमरन कितना उठा सकती है। सिमरन्स फादर नीड्स टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन, सिमरन के पापा को किचन के लिए कुछ सामान चाहिए, वो स्टोर से अब सामान किचन में मूव कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो सिमरन वॉन्ट्स टू हेल्प हर फादर, सिमरन अपने पापा की हेल्प करना चाहती है, ठीक है, वो सामान जो है स्टोर से
किचन में लेके जा रहे हैं, तो वो अपने पापा की हेल्प करना, मदद करना चाहती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पिक्चर बने हुए हैं, उसके पापा हैं, यहाँ सिमरन है, ठीक है, वो सामान लेके जा रहे हैं। ठीक है, गैस विच बैग सिमरन कैन कैरी, अभी गैस कीजिए कि सिमरन कौन सी बैग्स उठा सकती है। गैस हु कैन कैरी वॉट, हाँ कि ये भी गैस कीजिए, ये भी बताइए कि कौन कितना कैरी कर सकता है। हर फादर, उसके पापा कितना वेट कर सकते, कितना वजन उठा सकते हैं, तो यहाँ पिक्चर में देखेंगे हम, तो उसके पापा राइस एंड आटा, यानी राइस और आटा ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा वजन में होता है, 10-10 kg के वजन में तो होता ही है, तो उसके पापा राइस एंड आटा कैरी करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा हर मदर, मदर क्या कैरी करेगी, मदर जो है शुगर एंड दाल कैरी कर सकती है। हाँ, शुगर जो होगा वो 2 kg होगा मिनिमम, तो 2 kg या 3 kg तो वो कैरी कर सकते हैं। और हर यंगर सिस्टर और उसकी छोटी बहन, तो उसकी छोटी बहन कुछ भी नहीं कैरी कर सकती क्योंकि वो बहुत छोटी, यहाँ पे देखिए उसकी पिक्चर है, वो बहुत छोटी है, तो वो कोई भी वेट नहीं कर सकती है, उठा नहीं सकती है इसलिए। ठीक है, कैन सिमरन कैरी एनी टू ऑफ दिस बैग्स टुगेदर, क्या सिमरन कैरी कर सकती है इसमें से कोई दो बैग्स टुगेदर, एक साथ में कैरी कर सकती है दो बैग्स, इफ यस विच वंस। हाँ, तो हम लोग देखेंगे अभी पिक्चर में कि कौन सी कैरी कर सकती है। अभी देखिए 1 kg की घी है यहाँ पे, 2 kg दाल है, ठीक है, 1 kg सॉल्ट है, वो लिखा हुआ है ना उसमें, तो 1 kg सॉल्ट और 1 kg घी तो कैरी कर ही सकती है ना सिमरन, तो 2 kg कैरी कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो अभी हमने देखा कि सॉल्ट 1 kg की थी और घी 1 kg की है, तो दोनों वो कैरी, यानी दोनों टुगेदर साथ में अगर वो लेगी तो 2 kg ले सकती है वो। ठीक है, तो यस सॉल्ट एंड घी दोनों कैरी कर सकती है वो। ठीक है, विच बैग्स कैन यू कैरी, आप कौन सी बैग कैरी कर सकते हो गैस, हाँ तो आप कौन सी बैग कैरी कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो लिखना, वो आपका होमवर्क रहेगा कि आप उसमें से जो सामान है पीछे उसमें से कौन सी बैग कैरी करोगे। ठीक है, वो आपको लिखना रहेगा। यहाँ पे देखिए, मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल विद द थिंग्स इट कैन कैरी, अभी आपको मैच करनी है कि एनिमल्स, कौन से एनिमल्स कौन से थिंग्स को कैरी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, बर्ड है। ओके, तो ये एक बर्ड क्या कैरी कर सकती है, अभी वो ज़्यादा हैवी चीज़ों को कैरी नहीं कर सकती है। ठीक है, ये बॉल है, शुगर है, और ये वुड है, यानी कि लॉग बोलते हैं उसको, लकड़ी के लट्ठे हैं। ठीक है, और ये क्या है, लीफ है, तो बर्ड जो है ना वो लीफ कैरी कर सकती है। ओके, अभी ये एलिफेंट है, एलिफेंट लॉग कर सकती है, हाँ लकड़ी के लट्ठों को कैरी करती है, हाँ क्योंकि एनिमल तो हैवी होती है ना, वो कर सकती है। ठीक है, अभी ये डोंकी है, तो डोंकी क्या कर सकता है, शुगर कर सकता है। ठीक है, और ये क्या है, डॉग है, तो डॉग किसको करेगा, बॉल कैरी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे मैच करना है आपको। हियर आवर चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड, सो स्टूडेंट्स राइट एंड लर्न वेल, गुड बाय स्टूडेंट्स।